तो आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को। चल चलिए, तो इसमें हम करंट अफेयर्स को आज पढ़ेंगे। चालू किए हैं जाकर, ठीक है। अभी हम गए थे बैंक, चालू है। अब तुम लोग का ध्यान उस पर नहीं, बोर्ड पे, नहीं तो बीच वीडियो में भी पीटना शुरू कर देंगे। रोक के, समझ गया, बदमस्ती नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, अपना अपना से मतलब रखेगा सब, ठीक है। चलिए तो इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो नए मंत्रिमंडलों का गठन हुआ उसको पढ़ेंगे। तो मैं आपका प्रमोद सर, चलिए शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत के, लिख देते ऊपर में टॉपिक, लिखिए भारत के नए मंत्रिमंडल। भारत के नए मंत्रिमंडल मतलब इनकी जो हुई है हाल फिलहाल में क्या हुई है, तो इनको बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भारत के नए मंत्रिमंडल 2021, 2021, ठीक है। चलो सबसे पहले आ जाते हैं। पहला आता है जो सबसे पहले भारत के जो शीर्ष होते हैं, जिनके आधार पर भारत टिकी होती है, सारे काम काजों को देखा जाता है, वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन है बताइए, आप लोग भी बताइए राष्ट्रपति कौन है। आप लोग पढ़े होंगे राष्ट्रपति के बारे में, बताइए राष्ट्रपति कौन है, कौन है राष्ट्रपति, पढ़े। चलिए तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। रामनाथ गोविंद, गोविंद, ये यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर क्या करना है, श्री लगा देना है। क्या लगा देना है? श्री, श्री रामनाथ गोविंद। हाँ, गोविंद होता है कभी कभी बार कोविंद भी। यहाँ पर देखिए कि इसको ऑब्लिक में करिए, कोविंद, कोविंद, क्या लिखेंगे, कोविंद। तो कितना है ये, 64वां जो है हमारे राष्ट्रपति के तौर पे इनका चयन हुए। इधर ध्यान दीजिए, कितने मतलब कितना नंबर का ये राष्ट्रपति है भारत के, 64वां। और 64वां कहने का मतलब है कि अभी तक में लगभग 63 राष्ट्रपति यहाँ पर आ गए हैं और चले गए, 64वां में हमारे आए हैं रामनाथ गोविंद सर, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति कौन है, लिखिए भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उप राष्ट्रपति, भारत के उप राष्ट्रपति, यहाँ एक साथ में भारत के उपराष्ट्रपति लिखते, चलिए आप लोग फटाक फटाक, भारत के उपराष्ट्रपति तो कौन है, लिखिए एम वेंकैया, एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति हैं हमारे एम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, ठीक है। लिखते चलिए आप लोग कॉपी कलम से। यहाँ ये देखो 14वां है, 64वां नहीं, और एम वेंकैया जो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बने हैं, वो बने हैं कौन, तो 13वां, कौन बना है ये 13वां, और ये है हमारा 14वां, ठीक है। चलिए भारत के लिख देते हैं, ये तो पता जानते होंगे, भारत, भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री तो जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। वैसे इनका फुल नाम हम लोग जानते हैं, फुल नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यहाँ पर हम कोष्ट में लिख देते हैं नरेंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। तो इनके नाम जो पूरा हुआ है, इनके नाम में पिताजी का नाम को भी शामिल कर दिया गया है, दामोदर दास, ठीक है, श्री दामोदर दास उनके पिताजी का नाम ठहरे। और ये जो है वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो ये हमारे हैं 15वां प्रधानमंत्री। कितने नंबर का प्रधानमंत्री है ये, 15वां प्रधानमंत्री, यहाँ लिख देते हैं 15वां, ठीक है। भारत के, भारत के मुख्य, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के
मुख्य न्यायाधीश। आप लोग उतारते चलिए कॉपी कलम के साथ में और समझते जाइए। न्यायाधीश, उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के भी, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। तो ये कौन है? तो हमारे एनवी रमन, रमन ये हमारे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कहा जाता है सर्वोच्च न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको ही मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है भारत के, ठीक है। तो वो है हमारा एन वी रमन, याद रखिए एन वी रमन। महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, गोपाल, के वेणुगोपाल। भारत के प्रमुख सभापति, भारत के प्रमुख सभापति, भारत के प्रमुख सभापति या राज्यसभा, या राज्यसभा, राज्यसभा। तो इनका नाम भी जानते हैं एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा ऐसे लिखिए। सर्वोच्च सेनापति जिसको हम कहते हैं कि यह क्या है, तो राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च सेनापति जो सेना को पूरा कमांड करता है, गाइड करते हैं, तो वो है हमारे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में हम जानते हैं सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति, लिख लीजिएगा राष्ट्रपति।
सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति सबसे ऊपर में पड़े हम लोग का है श्री श्री रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद। उतारते चलिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं इसमें। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया, मन सुख मनसुख मंडाविया, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री। पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र, भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव। नोट करते चलिए, टाइम पूरा दिया जा रहा है आप लोगों को उतारने का। संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री, संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री, संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री, संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी।